पार्ट 11 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं वेन अपने कुकीज को यूयू के फॉर्चून शॉप में सारे कस्टमर को टेस्ट करवा रहा था और तभी वहां जियान आता है और मैडम दे भी वहां मौजूद थी। और अब यूयू माइक उठा के बोल रही थी, सारे गेस्ट आ गए हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारा सरप्राइज पसंद आएगा। आज का टैलेंट शो कुछ अलग ही होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन से हमारे सिटी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज आप लोग सिर्फ खूबसूरती को अहमियत देते हो, जबकि एक इंसान के अंदर उसका दिल कितना साफ और अच्छा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इसलिए आज से हम लोग खूबसूरती से लोगों को जज करना छोड़ देंगे और लोगों को उनके साफ दिलों से जानेंगे। और ये सुनकर सारे कस्टमर बोलने लगते हैं, अगर खूबसूरती से जज ना करे तो किससे करे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जाकर टैलेंट शो स्टार्ट होता है, जिसमें पहला परफॉर्मर आकर अपनी तलवारबाजी का कला सबके सामने पेश करता है और इसी तरह अलग अलग परफॉर्मर आते रहते हैं। और वेन जब यूयू को खुश देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे कुछ बताने के लिए उसके पास जाता है और ये चीज़ बेली नोटिस कर लेता है और वो भी यूयू के पास जाने लगता है। और इधर यूयू ने वेन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था बिकॉज उसने मैडम डे को यहाँ इन्वाइट किया, जिस वजह से यहाँ बहुत से कस्टमर आए। और अब वेन अपने फीलिंग कन्फेस करने ही वाला था कि ताऊ उसे जल्दी से बाहर लेकर जाती है और जहाँ हमें पता चलता है जो लड़की मेन डांसर थी उसके पैर में मोच आ गई है, जिस वजह से वो डांस नहीं कर पाएगी। और अब ये सबसे वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, लेकिन फिर यूयू बोलती है वो डांस करेगी। और इधर मैडम दे सारे मर्दों का टैलेंट देख अनाउंसमेंट करती है कि अब से खूबसूरती वाला बकवास वो लोग नहीं करेंगे, अब से जो मर्द टैलेंटेड होगा उसको लिस्ट में लिया जाएगा। और अब फाइनल डांस स्टार्ट होता है, जिसमें यूयू और बेली एज अ कपल डांस करते हैं और इन दोनों को ऐसा एक साथ देख बेहान का दिल पूरी तरह से टूट के चखना चूर हो जाता है। बट पूरी पब्लिक इन लोगों का डांस बहुत पसंद करती है और डांस के लास्ट में यूयू बेली को किस कर लेती है, जो वेन देख लेता है। और आज दो लोगों का दिल टूट गया था गंदे तरीकों से। और अब नेक्स्ट सीन में यूयू बेली के साथ थी, जहाँ वेन दुखी होकर उसके पास आता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ये सुन यूयू उसके साथ बाहर चली जाती है, जहाँ वेन उसे बता देता है वो उसे पसंद करता है। और ये सुनकर यूयू हैरान रह जाती है और वेन उसे अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बताता है जो कि वो उसके लिए फील करता है, लेकिन उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि यूयू सिर्फ उसे दोस्त मानती है और बेली से ही प्यार करती है। और यूयू भी उसके लफ्ज़ों में यही बात बोलकर सब कुछ क्लियर कर देती है। और हम देख पाते हैं वेन के हाथों में उसकी मॉम का हेयर क्लिप था, जो कि वो यूयू को देने के लिए लाया था, बट अब तो वो दे ही नहीं सकता था। और यूयू के बालों में एक पट्टा आ जाता है, जिससे वेन हटाने के लिए आगे बढ़ता है, बट यूयू से दूर हो जाती है और माफ़ी मांगते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है जो भी आज तक उसने उसके लिए किया था। और हम देख पाते हैं ये सब बातें सुनकर वेन ने क्लिप को इतने ज़ोर से दाब दिया था, जिस वजह से उसके हाथों से खून आने लगा था। और इधर जियान बटलर से पूछता है वेन कहाँ था, तो वो बताता है कुछ देर पहले तो यहीं था। और इधर बेली यूयू को बोल रहा था, तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ बेली और यूयू एक दूसरे के साथ बिल्कुल निब्बा निब्बी की तरह कर रहे थे और इन दोनों को ये चोचला ताव और तिहाने को देखना पड़ रहा था। और अब यूयू बेली को यहाँ रोक के बोलती है कि मेरी खिड़की टूट गया है तो क्या आप ठीक कर दोगे। बट तिहाने बोल रहा था ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है, सुबह भी ठीक हो जा सकता है। बट बेली उसे धक्का मार के यूयू के साथ चला जाता है और दोनों ही अंदर आकर एक दूसरे को किस करते हैं। और बेली उसे बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी बात तुम्हें बतानी है, वो दिन तुम्हें याद है जब हम लोग बुक हाउस में मिले थे और तुमने मुझसे बोला था पुराने कास्टलेन का मर्डर किसने किया था। ये तो सबको पता है, फिजिशियन सू ने उन्हें पॉइजन दिया था और उस वक्त टोटल 47 लोग मारे गए थे और शू मैंसन भी जल के ख़त्म होने वाला था, मगर लोगों को सच बिल्कुल भी पता नहीं है। फिजिशियन सू ने उन्हें पॉइजन दिया, लेकिन ये बात फैल गई और हमारी फैमिली बर्बाद हो गई और मैं बस यहाँ बचा हुआ रह गया और अब बस मुझे सारी सच्चाई सबके सामने लानी है। तो यूयू हैरान होकर बोलती है मतलब सू फैमिली के लास्ट वारिस आप हो, और अगर आप अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करूँगी और चाहे कुछ भी हो जाए
मैं आपके ही साइड रहूँगी। तो बेली बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम ये सब मसले में पड़ो, मैं जल्द ही सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म करके तुम्हें न्यू आइडेंटिटी दूंगा, हमारा असली नया घर दूंगा। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां आज यू के शॉप में बहुत कस्टमर थे और त्यहाँ ने यू को कुछ ला कर देता है जो कि बेली ने उसके लिए भेजा था। और ये देखकर यू बेली के पास आ जाती है और बेली उसे घर वापस चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए यू मान जाती है। और अब हम बेली को उसके मैंशन में देखते हैं, जहाँ वो त्याने को बोलता है यू का सारा सामान विंड बूथ में शिफ्ट कर दो। तो त्याने बोलता है, पर वो तो आपका बेडरूम है ना। तो बेली बोलता है, तो क्या हो गया, मेरे साथ वो नहीं रहेगी तो क्या तुम रहोगे। और ये सुन त्याने को प्यार का मसला समझ आता है और बीच रास्ते में यू बेली को देख उससे आंख मारती है। और ये चीज़ बेहान भी देख लेती है और उसे बोलती है, तुम तो यहाँ से चली गई थी ना, तो फिर वापस क्यों आ गई, और अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो वापस कभी ना आती। तो यू बोलती है, मेरे लॉट को मेरी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ कैसे ना आती। और तभी वहाँ बेली आकर यू का हाथ पकड़ के बेहान के सामने ही लेकर चला जाता है। और बेहान को ये देख बड़ा गुस्सा आ जाता है और त्याने बेहान को आकर उसे घर का पेपर देता है जो कि उसके लिए बेली ने ख़रीद लिया था। और शायद बेली ने वो घर इसलिए ख़रीदा था क्योंकि यू अब अपने घर में शिफ्ट हो जाए और यहाँ ना रहे। मगर उसका सर्वेंट बोलता है, वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, इसलिए उन्होंने आपको इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया है। तो बेहान बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे अब यहाँ से निकालना चाहते हैं, जिसके बाद यू मेरी जगह ले पाए। और इधर हम लोग यू और बेली को टेरिस में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो दोनों किस करने वाले थे कि उनके बीच में एक कबूतर आ जाता है। और वो कबूतर यू के डैड का लेटर लेकर आया था, जिसमें वो बता रहे थे वो बिल्कुल सेफ है। और इधर वेन कुकी बना रहा था, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ यू की याद आ रही थी। और अब यही कुकीज़ पूरे मार्केट में फेमस हो गई थी, बिकॉज़ ये वैलेंटाइन डे के स्पेशल कुकीज़ थी और मैडम डे और जियान दोनों को ही ये कुकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और इधर यू वैलेंटाइन डे होने की वजह से बेली के लिए गिफ्ट लेटर वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। तो ताओ बोलती है कि आप उनके लिए इतना कर रहे हो, लेकिन देख कर तो ऐसा लग रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं आज क्या है, और उन्होंने अभी तक आपको एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। तो यू बोलती है, वो बिजी होंगे, तुम ज़्यादा मत सोचो, उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं दे रही हूँ ना। और अब यू अपना गिफ्ट लेकर बेली का इंतज़ार कर रही थी और फाइनली बेली आता है और यू उसे अपना गिफ्ट दिखाती है, जो कि एक लैम्प था और उसने वो खुद से बनाया था, जो कि बेली को बहुत पसंद आता है। और अब यू उसे गुस्सा हो जाती है, बिकॉज वो उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर आई थी। लेकिन फिर बेली उसे मना लेता है वाटरमेलन का पॉट देकर, और अब वो दोनों मिलकर एक लैम्प चलाते हैं जिसमें लिखा हुआ था, उम्र हमें जुदा नहीं कर सकती। उसी लैम्प के आग में बेली उन दोनों का डिवोर्स पेपर भी जला देता है और आज पूरी तरह से ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्कुल एज अ पार्टनर। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि ये लोग किसी की मदद मांगने की आवाज़ सुनते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि बेहान थी जो रिवर में गिर गई थी। और बेली और यू मिलकर उसकी मदद करते हैं, और अब यू बेहान के साथ थी, जहां वो बोलती है, आपने जानबूझ के रिवर में छलांग मारी थी ना, जिसमें आप हम लोग दोनों के मोमेंट के बीच में आ सको। लेकिन बेहान इसे साफ मना करती है, लेकिन यू के ज़्यादा इंजेस्ट करने पर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने सब कुछ जानबूझ के किया, और उसका कहना था बेली सिर्फ उससे प्यार करता है। अगर यू ने बेली को आज सेड्यूस ना किया होता तो बेली आज उसके पास होता। तो यू बोलती है, ऐसी बातें करा करो जिसमें सेंस हो। और अब बेहान यू को बताती है, उसे पता है बेली सू फैमिली का इकलौता वारिस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और अगर यू ने उसे नहीं छोड़ा तो वो ये सच्चाई सबको बता देगी, और उसको तो पता ही है ये कितना बड़ा जुर्म है। और अगर कास्लिन को पता चल गया तो बेली को तो सीधा सजाए मौत मिलेगी। और ये सुनकर यू बहुत घबरा जाती है, और अब पूरे रात भर यू नहीं सोती और बस बेली को देख के रोती रहती है, और उसे बेली के साथ बिताए हुए सारे मेमोरी याद आने लगती है, और कैसे वो उसे पहली बार मिली थी, कैसे वो दोनों की कॉन्ट्रैक्ट में शादी हुई थी, और कैसे उन दोनों को एक साथ रहते रहते प्यार हो गया था। और यही सब सोचते सोचते वो बेली के मेंशन से चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग बेली उठते ही यू को ढूंढने लगता है, बट उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी वो, जिससे वो फिक्र में आ जाता है। और बेहान के पास जा बोलता है, तुमने यू को ऐसा क्या बोला जो वो मेंशन छोड़ के चली गई, कल से जब से वो तुमसे मिलकर आई थी तब से परेशान सी लग रही थी। लेकिन ये बात एक्सेप्ट करने से बेहान साफ इनकार कर देती है, लेकिन बेली उसे बोल देता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगी, इसलिए होप करो कि वो बिल्कुल ठीक हो। और इधर यू अपने शॉप में थी, जहां त्याने और बेली आते हैं, और ताओ बोलने लगती है,
अंदर मिस यूयू नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन त्यानी उसे ये बोल रोक लेता है कि उसे मत रोको, वरना वो पूरी सिटी उड़ा देगा। और अब यूयू बेली से बहुत रूडली बात कर रही थी और अपने सर्वेंट के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जो देख बेली को बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो उससे पूछता है, एक रात में क्या हो गया जो तुम इतनी बदल गई। तो यूयू बोलती है, तुम देख नहीं रहे हो, मेरे इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड्स बन गए हैं, तो तुमसे दूर होना पड़ेगा। लेकिन बेली को इस बात में यकीन नहीं हो रहा था और यूयू बोलती है, तुमसे मैं बोर हो गई हूँ और मैं बस तुम्हारे साथ मज़े कर रही थी और अपने फादर को बचाने के लिए ये सब कर रही थी, और अब मुझे सब कुछ मिल चुका है। और ये सारी बातें सुन बेली को बहुत बुरा लगता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।